हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दिस इज योर फ्रेंड सर अंजू यादव वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी आर एस मोटो व्लॉगर। और भाई लोग आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि तुम लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होगे, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 बाइक्स फॉर कॉलेज एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। वो 10 बाइक जो कि परफेक्ट होने वाली है स्कूल और कॉलेज जाने वाले भाइयों के लिए। हाँ लोग, इस वीडियो में हम पूरी टॉप 10 पे बाइक सजा के रखे हैं, जो कि मतलब टॉप 10 से लेकिन सीधा, तो जो कि टॉप 10 मतलब 10 नंबर से लेके 1 नंबर तक आएगी। और जैसे कि बताया कि हम कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो को मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी बाइक्स नहीं आने वाली हैं, मतलब एवरेज बाइक ही आएंगी, जैसे कि समथिंग लाइक 1 लाख से 3 लाख के बीच में ही आएंगी। और ये बाइक ज़्यादा हाई लेवल बाइक नहीं है, बहुत बड़ी सीसी वाली बाइक नहीं है, जो कि परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है, तो पेरेंट्स आराम से बच्चों को दिला भी देंगे। जैसे हम लोग स्कूल जाने के लिए तो सजेस्ट करते हैं बच्चे कि पापा हमको ये बाइक दिलाओ, मम्मी हमको ये बाइक दिलाओ, तो अगर तुम लोग कोई गलत डिमांड ना करो तो उसके लिए ये वीडियो है। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में 10th नंबर पे जो बाइक है वो है सुजुकी जिक्सर SF150। ये वही बाइक है जो कि फुल्ली पेड है और सिबलिंग है जिक्सर के, जिसका नेकेड वर्जन भी आता है। ये वाली बाइक फुल्ली पेड बाइक है जो कि 150 सीसी में ठीक ठाक लुक्स आ जाता है, और ये बाइक आपको चीप प्राइस में फुल्ली पेड बाइक आ जाती है। इस बाइक में आपको 150 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें कि आपको 13.4 bhp की पावर मिलती है एट द रेट ऑफ समथिंग लाइक 13.8 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे। ये बाइक की अगर टॉप स्पीड की बात करो तो समथिंग लाइक 120 के आसपास तक जाती है ये बाइक। और इस बाइक के प्राइस की अगर हम बात करें, ये बाइक आपको ऑन रोड 1,42,000 तक मिल जाती है। और जितनी भी बाइक है सबका BS6 वेरियंट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा महंगा होते गया BS4 से। तो ये थी हमारी 10th नंबर की बाइक। अब हम चलते हैं हमारे 9th नंबर की बाइक। तो हमारी 9th नंबर की बाइक है वो है 160 सेगमेंट की आएगी, और जिसका नेकेड वर्जन है अपाचे 164V। अपाचे 164V का एक अभी नया अपडेटेड वर्जन आ गया है BS6 में, ये BS4 है। इस बाइक में आपको 160 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें कि आपको 14.8 bhp की पावर मिलती है 14.2 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे। अगर इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इस बाइक की प्राइस है 1,22,000 ऑन रोड दिल्ली। तो अब हमारी 8th नंबर की बाइक है वो है नेकेड स्पोर्ट NS200, पल्सर NS200। ये इस कैटेगरी में इतनी नीचे इसलिए है, उसका भी रीज़न है। तो चलो पहले इसके ऊपर ऊपर और अच्छी अच्छी बाइक्स भी हैं। तो NS में आपको 24.5 bhp की पावर मिल जाती है एट द रेट ऑफ 18.9 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे, जो कि सेम एकदम RS का इंजन है इसमें। इस ये बाइक की प्राइस आपको 1,53,000 तक भी जा सकती है ऑन रोड दिल्ली में। फैन ऑफ कर दिए तो पसीना हो रहा थोड़ा, क्योंकि विंड नॉइज आने लगती है फैन ऑन रहने से। तो अब बात करते हैं हमारी 7th नंबर की बाइक पे। हमारी 7th नंबर की बाइक है जावा की तरफ से जावा पर सिंगल सीटर बाइक है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगी आपको बैठाने के लिए। ये बाइक में आपको 30 bhp का पावर मिलता है, 40 Nm का टॉर्क भी मिलता है। ये बाइक की ऑन रोड प्राइस आपको समथिंग लाइक 2 लाख अबव है, एग्जैक्टली अगर हम बताएं 2,22,000 ऑन रोड दिल्ली में मिल जाती है। अब चलते हैं हमारे 6th नंबर की बाइक, जो कि है MT15। ये बाइक में भी आपको सेम इंजन देखने को मिलता है जैसे कि R15 वर्जन 3 में मिलता है। इस बाइक में भी आपको 155 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 18.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एट द रेट ऑफ 14.7 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस अगर दिल्ली की बात करें तो 1,60,000 तक मिल सकती है। और अब बात करते हैं हमारे 5th नंबर की बाइक, जो कि है Duke 200। इसका BS6 वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, अच्छा कह सकते हो कि मतलब एक डिफरेंस आ गया है, मतलब 125 सीसी और 200 में, क्योंकि पहले अभी तक सेम हो गई थी तो लोग 125 ज़्यादा ले रहे थे क्योंकि Duke 200 उतनी नहीं बिक रही थी। और अब जो BS6 वेरिएंट आ गया है Duke का, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मतलब ये पूरी की पूरी अब 250 सीसी की तरह हो गई, जैसे पहले 250 आया करती थी विथ नए ग्राफिक। तो इस बाइक को आपको 25 bhp की पावर मिलती है 19.3 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे, और ये बाइक की टॉप स्पीड अगर आप बात करें तो 135 प्लस है। और यही बात इस बाइक की प्राइस की बात करें तो इस बाइक की प्राइस आपको 2,03,000 तक ऑन रोड दिल्ली जा सकती है। और अब बात करते हैं हमारे टॉप 4 बाइक्स की, जो कि फुल्ली फेयर्ड बाइक होने वाली है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहा हमको इसको बिठाने में, क्योंकि स्टार्टिंग की 3 और जो टॉप पे है वो तो डिजर्व करती है, लेकिन स्टार्टिंग की 3 को बिठाने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए था ये वीडियो। तो अब बात करते हैं हमारे 4th नंबर की बाइक, जो कि R15 वर्जन 3। यस, R15 वर्जन 3। इस बाइक में आपको 155 सीसी का इंजन मिलता है और 18.6 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है इसमें। ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस अगर देखा जाए तो इस बाइक की प्राइस ऑलमोस्ट 1,70,000 तक हो गई इसका BS6 वेरिएंट। और अब चलते हैं हमारे टॉप 3, हमारे चलते हैं 3rd नंबर की बाइक, जो कि है
RS200 Pulsar RS200. तो RS200 में आपको 24 BHP की पावर मिलती है एट द रेट ऑफ 18.7 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे, और इस बाइक का वेट अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो BS4 Pulsar है RS है उससे मतलब 2 kg बढ़ गया है, इसका वेट हो गया 167 kg, और BS6 वेरिएंट में इसका प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया, तो अब इसका प्राइस हो गया 1,70,000 तक, मतलब ये सेम R15 वर्जन 3 के आसपास के 1,000-2,000 महंगी है, शोरूम पे वेरी करता है। और अब चलते हैं हमारी सेकंड नंबर की बाइक जो कि KTM RC200। अब बहुत लोग सोचेंगे कि KTM की 125cc कैटेगरी क्यों नहीं है ऐड की, क्योंकि मतलब वो बाइक हमको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर उस बाइक प्राइस की बात करें तो वो बाइक आपको मतलब RS200 और R15 वर्जन 3 से भी महंगी आती है BS6 वेरिएंट, तो इसलिए उसको ऐड नहीं किए ये वीडियो में। और अब बात करते हैं हमारी सेकंड नंबर की बाइक जो कि KTM RC200। तो KTM RC200 में आपको 25.4 BHP की पावर मिलती है एट द रेट ऑफ 19 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे, और इस बाइक के BS6 वेरिएंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हुए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं, जैसे कि अब ड्यूल चैनल ABS आ गया है जो कि पहले नहीं आता था, सिंगल चैनल भी नहीं आता था RC में, लेकिन अब बात करें तो डुअल चैनल ABS आ गया है कि एक सही चीज़ है जो कि अब तगड़ा कंपटीशन मिलेगा RS को। यही बात अगर हम KTM RC200 की प्राइस की बात करें तो इस बाइक की प्राइस आपको समथिंग लाइक 2,28,000 तक आती है, जो कि 200cc कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो KTM जैसा ब्रांड है। तो अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट नंबर की बाइक जो कि है अपाचे 310RR। तो अपाचे 310RR वही बाइक है जो कि TVS ने BMW के साथ कोलैबोरेशन करके बाइक बनाई थी, और इस बाइक में आपको सेम BMW GS का इंजन मिलता है, GS310R का इंजन मिलता है जो कि 313cc का इंजन है। तो इस बाइक में आपको 34 BHP की पावर मिल जाती है एट द रेट 27 Nm के टॉर्क पे। इस बाइक का टॉप स्पीड अगर हम बात करें तो 170+ जाती है ये बाइक, और इसका BS6 वेरिएंट जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड के साथ आया है, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे मोड है, इसमें 4 मोड आ गए हैं जो कि एक बहुत बिग बाइक फील देती है, और ये 300cc होने के बाद भी आपको 600-700cc का आता है। इसका पीछे का टेल साइड देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी टॉप 10 बाइक जो कि स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए थी, जो कि परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि कई बार हम ऐसा देखें कि कई स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चे जो कि हॉर्नेट वगैरह बाइक ले लेते हैं, लेकिन सेम उसी प्राइस में उनको उससे अच्छी बाइक जैसे सुजुकी जिक्सर SF या फिर अपाचे 164 भी मिल जाती है। इस वीडियो में हम किसी बाइक की बुराई नहीं कर रहे हैं, जैसा हॉर्नेट वगैरह बाइक, सब अपनी बाइक सही है, लेकिन जो टॉप 10 में लगी उसको हम बता दिए। तो ये वीडियो को यहीं एंड करेंगे। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि मतलब स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, जो फिलहाल तो अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन जब कॉलेज स्टार्ट होगा, जब बाइक वगैरह जब दोबारा स्कूल जाए कॉलेज जाएंगे तो उसके बाद से जिनको बाइक लेनी है तो उन लोगों को सजेस्ट करो। तो चलो अब ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।